हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? आज हम लोग चैप्टर टू पॉलिनॉमियल्स एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, जिसके अंदर क्या है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड −√5/3। इसके अंदर हमें कह रहा है कि हमें दोनों जीरोज निकालने हैं, जैसे जिसकी जो भी पॉलिनॉमियल होता है उसकी x की पावर 4 है तो इसके चार जीरोज होंगे, इसमें से दो जीरोज हम एक दे रखे हैं, यानी x की 4 वैल्यूज होंगी, इसमें 2 वैल्यूज गिवन है, हमें बाकी की 2 वैल्यूज निकालनी है। जैसे x की एक वैल्यू क्या है √5/3 और x की एक वैल्यू क्या है −√5/3। ये यहाँ पे गया तो x −√5/3 और x +√5/3, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर −5/3। अपॉन में डिवीजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे, 3x² माइनस 5, 1/3 हमने साइड में रख दिया, 3x² माइनस 5 से हम इस पूरे फंक्शन को डिवाइड करेंगे। हमें किससे करना है, 3x² माइनस 5 को 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 से, ठीक। जैसे कि हमने पहले भी कर रखे हैं डिवीजन, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो x² आया, फिर इस पूरी टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई, 3x4 माइनस 5x², स्क्वेयर के टर्म स्क्वेयर के नीचे रखेंगे, साइन चेंज होगा, 6x³ माइनस प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5, सेम 6x³ को 3x² से करेंगे तो 2x आ जाएगा, 6x³ माइनस 10x, साइन चेंज कट गया, 3x² माइनस 5 प्लस 1, 3x² माइनस 5, साइन चेंज कर गया। जब भी हमें जीरोज निकालना है रिमाइंडर हमेशा हमारा जीरो आएगा, जैसा कि हमें पता है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 किसके इक्वल होगा, 3x² माइनस 5 एंड x² प्लस 2x प्लस 1 के। इसके फैक्टर्स हमें दे रखे थे इसके जीरो, इसके फैक्टर्स बना लेंगे, x² प्लस 1x प्लस 1x प्लus 1, ये 3x² माइनस 5 एज इट इज चलता रहेगा हमारा, इधर से x कॉमन ले लिया x प्लस 1, इधर से प्लस 1 कॉमन ले लिया x प्लस 1, x प्लस 1 एंड x प्लस 1, सेम 3x² माइनस 5 हमारा चलता रहेगा। तो हमारी x की क्या वैल्यूज आ गई, अदर जीरोज आर −1 एंड −1, क्योंकि इसको करेंगे इक्वल टू जीरो तब भी −1 आएगा, इसको करेंगे तब भी −1 आएगा, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. फाइंड जीएक्स, हमें जीएक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने इस पॉलिनॉमियल को जीएक्स से डिवाइड किया तो क्वोशेंट हमारा ये आया, रिमाइंडर हमारा ये आया, तो हमें जीएक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है आंसर। हमें पता है पीएक्स इज इक्वल्स टू, यानी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट
प्लस रिमाइंडर होता है। पी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जी एक्स। क्वेश्चन इज एक्स माइनस टू एंड रिमाइंडर इज माइनस टू एक्स प्लस में फोर। अब ये माइनस प्लस का है तो इधर जाके साइन बदल जाएंगे, माइनस टू एक्स तो प्लस टू एक्स, प्लस फोर तो माइनस फोर इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू। ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज, एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स हो जाएगा और ये वाली टर्म माइनस टू हो जाएगी, जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू। ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको हम इससे डिवाइड कर लेंगे, जो भी हमारा कोशेंट आएगा विच इज जी एक्स। यानी हम x माइनस टू किससे डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू से। फर्स्ट टर्म को इससे वही सेम प्रोसीजर डिवाइड करेंगे, स्क्वायर आ गया एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। फिर से करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, साइन चेंज होंगे एक्स माइनस टू प्लस वन एक्स माइनस टू, अगेन साइन चेंज कट गया जीरो, तो हमारा जी एक्स क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एंड दिस इज द आंसर। थैंक यू।